सो गाइस वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरा सीपीयू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पूरा सेटअप छितर बितर हो चुका है। थोड़ा सा सीपीयू को हम करने वाले हैं अपग्रेड, और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे। लेमेंटन रोड जाने वाले हैं, 3 साल की वारंटी थी, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अभी हम जाएंगे और देखेंगे, वहाँ से बातचीत करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो यहाँ पे ये डब्बे के अंदर देखो मेरा सीपीयू, अरे इसकी माँ का टूट गया, तो इसके ना सीपीयू को पैक कर दिया, अब कार में रखेंगे आराम से लेके जाएंगे। दिक्कत बस ये है कि इसको ले जाना बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन हम जाएंगे और देखेंगे आज क्या होता है क्या नहीं होता है, लेमेंटन रोड पे क्या मिलता है, अपने को कुछ नया या पुराना। ठीक है तो आओ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हमारे सीपीयू को लेके लेमेंटन रोड पे। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं सोचा कि एक बार जाके दिखा दो सर्विस पे, क्योंकि ये 3 साल की वारंटी रहती है, तो अभी 1 साल जस्ट हुआ है 6 जून को, तो अभी 3 साल अपने पास है। तो लेमेंटन रोड की चोरी और लेमेंटन रोड पे कैसे लोगों को लूटते हैं, आज हम वो तुमको बताएंगे कि किस अंदाज में और किस तरह ये लोग तुम्हारी माँ भीन कर देते। तो आओ यार, मैं तुमको सबसे पहले लेमेंटन रोड क्या है, क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है वो बताऊँगा। लेमेंटन रोड पे तुमको हर एक चीज़ मिलेगी, मुंबई के ग्रैंड रोड, तुम लोग जब वहाँ पे उतरोगे ना, क्या बोलते स्टेशन पे, तो वहाँ से करीब है, 10-20 रुपये लेते हैं। और यहाँ पे तुमको सारे पार्ट्स जितने बोले तो भाई, कंप्यूटर के स्पीकर के सारे पार्ट्स मिलेंगे, बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी, और बड़े से बड़े ग्राफिक कार्ड, बड़े से बड़े सेटअप, बड़े से बड़े मतलब तुम 3 लाख का सेटअप बनाओ, 5 लाख का सेटअप बनाओ, डिपेंड करता है। और कैसे बनाना है, वो क्या करना है, वो मैं तुमको एक हिंट भी दूंगा इस वीडियो में। देखो मैं जो फेस किया हूँ ना, वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जब मैं ये अपना पीसी खरीदा था ना, तो भाई ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई कहाँ से लूँ, किसके पास से लूँ। मैं एक दुकान से ले लिया, उसने मेरे को काट लिया, मतलब मेरे दोस्त को काट लिया। फिर उसके बाद मैं घर पर आया, पता चला कि भाई उसने बहुत ज़्यादा महंगा ले लिया, जो जो पीसी 80-80 हज़ार का होना था, वो 1 लाख चले गया था, मतलब 20-20 हज़ार रुपये काट लेते वो लोग। तो अगर तुमको पीसी बिल्ड करवाना है, तो तुमको एक एकदम बेस्ट दुकान है यहाँ पे, मैं तुमको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले तुमको खुद से कैसे, अगर तुम नए हो तुमको जाना है तो कैसे जाओगे और कैसे तुमको पता लगाओगे, तो पहले सबसे पहले तुमको सर्वे करना है पूरा यहाँ से लेके जितना बड़ा है ना सब। तो ये लेमेंटन रोड का बहुत लंबा रोड है, पूरा बहुत आगे तक 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से होगा, जो मैं तुमको स्टार्ट में वीडियो दिखाया, पूरा भाई पीसी के सामान से, लैपटॉप से, सेकेंड हैंड लैपटॉप, बेकार लैपटॉप, कचरा लैपटॉप, भाई उन लोग कचरे को भी सोना बनाते हैं ऐसा है, ठीक है। तो अब अगर तुमको यहाँ पे देखो, मैं तो अपना पीसी मेरा वारंटी में था तो मैं दे दिया, वो लोग चुपचाप ले लेते, लेकिन भाई सबसे पहले ना वो लोग दिक्कत ये करते कि भाई पहले वारंटी बिल वगैरह सब चेक करेंगे, और देने के टाइम तुमको लिख के देंगे कि भाई ये लो हम देंगे वारंटी, इसका कुछ भी होगा ना, लेकिन लेने के टाइम अगर कुछ हो जाता है, फिर जब तुम लेके आओगे ना तो नाटक करते। लेकिन मैं बोला कि मैं यूट्यूबर हूँ, बकचोदी नहीं करना, तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, चुपचाप ले लिया, बोले भाई 1 हफ्ते में आ जाइए सर ले लीजिए। हाँ, तो अगर सबसे पहला मोटिव यहाँ पे अगर तुम आते हो तो तुम्हारा एक ही मोटिव होता है कि भाई पीसी बिल्ड करना है और सस्ते में और अच्छा, और यहाँ पे सब लोग एक से बढ़ के एक काटने को दौड़ते हैं। तो तुमको सबसे पहले सर्वे करना है, जैसे तुम गए पहले देख रहे कहाँ से कहाँ तक है, फिर दुकान देखना है। इसमें एक दुकान बहुत बेस्ट है, उसकी मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, और उसके बाद तुमको बताऊंगा कि कहाँ पे तुमको सस्ते पार्ट और अच्छे जेन्युइन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब ठगते बहुत ज़्यादा ठगते। तो इसीलिए तुमको पहले जाना है, एक शॉप में जाना है, वहाँ पे ना बोलना कि मेरे को पीसी बिल्ड करवाना, अपना बजट बता देना कि मेरे को 50 हज़ार में करना है, 1 लाख में करना है, ठीक है। तो वो तुमको 50 हज़ार का एकदम मोटी मोटी रकम का बड़ा बड़ा पीसी बना के दे देगा, उससे तुमको क्या बोलते कोटेशन ले लेना है, उन लोगों के पास है ना एक पूरा चार्ट रहता है कि तुमको रैम कौन सी चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ठीक क्या चाहिए, तो वो ले लेने का, फिर बाहर आ जाने का, फिर दूसरी शॉप में जाना। यहां पे भाई कम से कम 300-400 शॉप है, तो कम से कम 30-40 शॉप में तो जाओ, फिर तुमको वहां पे सर्वे करो, तुमको पता लगाओ कि तुमको पता चलेगा कि भाई मेरे को ये चीज, अगर एक सपोज कर लो मेरा अभी क्या बोलते मेरे को अगर राइजन 7 बिल्ड करना है या ग्राफिक कार्ड, जो यहां 30 हज़ार का मिल रहा है ना, दूसरी शॉप पे वो 40 हज़ार का मिलेगा, और उसके बाद वाले शॉप पे वो 25 हज़ार का मिलेगा। तो तुमको ऐसा पहले सबसे पहले ऐसा एक्ट करना है कि एक्टिंग करनी है कि तुमको सब पता है, भाई तुमको सब पता है कि भाई तुमको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तुम लोग यूट्यूब से ले लो, थोड़ी बहुत अमेजोन से ले लो। हाँ, एक बात ये है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो प्राइस है उससे थोड़ा सस्ता ही यहाँ मिलता है, ज़्यादा ही सस्ता मिलता है। जैसे कि अगर अमेजोन पे जो चीज़ 10 हज़ार की, तो यहाँ पे 8 हज़ार की तुमको मिल जाएगी, लेकिन तुम यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत कर सकते हो बहुत ज़्यादा। अगर तुमको 1 लाख का पीसी बिल्ड करवाना है, समझो सपोज करो 1 लाख का पीसी बिल्ड करवाना है, तो उसमें ये लोग 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बोलेंगे और शॉप से। तो इसीलिए तुमको सबसे पहले देखना है कि कौन सी जेन्युइन शॉप है और कौन सी जेन्युइन शॉप नहीं है, तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि कौन सी जेन्युइन है और कौन सी नहीं है। लेकिन तुमको सबसे पहले तुमको खुद से देखो, यहाँ पे ये लोग ना
एक चार्ट रहता है कोई भी शॉप में जाने का, उनको बोलने का मेरे को पीसी बिल्ड करवाना है, मेरा इतना इतना बजट है और ये पीसी में क्या क्या मेरे को मिल जाएगा, तो वो लोग पूरा लिख के देंगे तुमको ये पीसी में इतना मिलेगा। लेकिन मैंने जब और लोगों से वेरीफाई किया, मतलब और लोगों का रेट और ये लोगों का रेट जब पता लगाया ना, तब मैंने देखा कि भाई एक्चुअल डिफरेंस मेरे को समझ में आया। एक ने बनाया 1,20,000 का पीसी बनाया, सेम कॉन्फ़िगरेशन में एक ने बनाया 97 में बना के दिया, 95 में बना के दिया। तो ये सारे सीन होते रहते हैं कि भाई कुछ कुछ बहुत गंदा गंदा काटते और कुछ कुछ तो भाई कम कम काटते। और सबसे मेन चीज़ ना, तुमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ऐसी शॉप में जाना है जहाँ पे सारे पार्ट्स तुमको सामने दिख रहे हो। क्योंकि जब वो लोग किसी को फ़ोन लगा के पूछना भाई तुम्हारे पास ये है तुम्हारे पास वो है, तो वो लोग अपनी मार्जिन रख के अलग प्राइस बोलते, फिर ये यहाँ पे आ गया ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सिर्फ शॉप है उनके पास, लेकिन उनके पास खाली बॉक्स रखे हुए, कुछ सब पार्ट्स है ही नहीं उनके पास। सारे पार्ट्स तुमको कहाँ से मिलेंगे, वो लोग फोन करके मंगाएंगे। मतलब इनका गोडाउन होता है, वो वहाँ से एक उनका डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको फोन लगा दे। जो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर को फोन लगा रहा उससे भाग जाना तुमको, ठीक है। तो बस यही बोलना था कि, और अब नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी वीडियो खत्म करो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम अच्छे से।